अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर उकबान यूट्यूब चैनल। आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक हो और अल्लाह करे कि आपकी कुर्बानियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला उनको कबूल करे और इबादत को भी कबूल करे और ये बहुत ही बरकत वाली ईद साबित हो सबके लिए। लेकिन जो जिनको तकलीफ़ हो रही है, जिनको जहमत हो रही है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा कराची वाले हैं और कराची पूरा डूब गया। और मुझे लगता है कि वो वेनिस की जो हम तस्वीरें देखते हैं या बेल्जियम की कैनाल्स की तस्वीरें देखते हैं, वही अब कराची सदर की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, कराची और इलाकों की लोग शेयर कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिन से जब से ये बारिशें हो रही हैं, 14 MNA PTI को कराची ने दिए थे साउथ डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, इन सारी जगहों से, और वो 14 के 14 जो है गुम है, गायब हैं, लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा कहाँ पे हैं। और बातें आप उनसे करा लें जितनी मर्जी करानी है, ट्विटर पे आप उनको बिठा दें, आप उनको ट्विटर स्पेस दे दें, आप उनको फेसबुक दे दें, आप उनको टीवी शोज दे दें, इंटरव्यू दे दें, ये करप्ट वो करप्ट ये करप्ट वो करप्ट। किधर गया वो 35 बिलियन का पैकेज जो इमरान खान ने दिया था नालों की सफाई के लिए? असद उमर और अली जैदी ने उसको इनॉग्रेट भी किया था और आज इमरान खान की ट्वीट मेरे सामने आई, वो कहते कि हमने तो दे दिया था, लोकल गवर्नमेंट्स ने वहां पर नहीं दिया। जबकि असद उमर का बयान ये है कि हमने किया और इस पे लोकल गवर्नमेंट से भी बड़ा काम किया। तो बात यह है कि पहले तो एक फैसला कर लें कि आप दोनों में से सही कौन है, इमरान खान सही है कि असद उमर सही है। इमरान खान को पता है या असद उमर को पता है? वरना वो अली सैदी आ जाएगा, वो ना कोई हमारा दोस्त ही है, ट्वीट करता रहेगा वो। कराची वालों की मिजरी बढ़ गई है, हर दफा यही होता है। पहली दफा पहले साल में PTI की गवर्नमेंट ने उनको 150 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, 1 रुपया उसमें से नहीं दिया। उस वक्त 1100 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, 1100 बिलियन का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 1 रुपया अगर कहीं लगा होता तो वो हमें नजर आ जाता। उस वक्त 35 बिलियन का सिर्फ नालों की सफाई के लिए किया और वो नाले आपके सामने हैं कि उबल उबल के कैसे वो समुंदर बने हुए हैं खुद से अपनी जात में। और उसके बाद बीच में आपको 2 साल पहले वो ड्रामा याद होगा कि अली जैदी ने क्लीनिंग कैंपेन शुरू कर दी, जी मैं कराची के नालों की सफाई कर रहा हूँ जी, और इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, इतना हो रहा है। तो क्या किया ये, क्यों सस्टेनेबल काम नहीं कर सकते? अब सैलाब आ रहा है, अब फिर वहां पे फौज को हर जगह हम देख रहे हैं, फौज को बुलाना पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, बैठ के ट्विटर पे और हर जगह पे DHA की तस्वीरें लगा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि जी देखो ये डूब गया, ये सबसे पौष इलाका है, ये डूब गया। लेकिन यह है कि जो तुमने जहां पे पैसा लगाया, जो तुमने 1400 बिलियन जहां पे लगाया, वो तो मुझे बताओ क्या हुआ। दूसरों को पर फौरन पिन पॉइंट कर देते हो या नजर उठा लेते हो या दिखा लेते हो, लेकिन वो कहां है इस वक्त? 14 MNAs और पता नहीं MPS कितने हैं, मुझे उनका पता नहीं, कितने ओहदेदारान हैं उनका पता नहीं। एक जगह पे भी कोई इनका MNA गया कोई रिलीफ करने के लिए, कोई पानी की निकासी के लिए, कोई गुड्स लेके, कोई लोगों के घर में आटा लेके, कि किसी को परेशानी हो, किसी को कुछ हो, कोई मेडिकल कैंप लगाया कि इससे वाटरबॉर्न डिजीजेस जो होनी है जब एकदम ये धूप निकलेगी और हब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो वहां पे हाल होना है उससे बचाव के लिए क्या होना है? कोई प्लानिंग नहीं। ब्लेम गेम, पीपल्स पार्टी बुरी, PMLN बुरी, MQM बुरी, सब बुरे, सिर्फ वो अच्छे जो हमारे साथ और हमें वोट दे रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क से सियासत खत्म कर दे, आप भी उतने ही करप्ट और उतने ही नाअहल निकले जितना कोई भी हो सकता है, अपने गरबान में जरूर झांकिएगा। और कराची वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार सोच कर दीजिएगा वोट, कम से कम वो कराची शहर में नजर तो आए आदमी जिसको आप वोट दे रहे हो, भले जिस मर्जी पार्टी का हो, वो आपके दुख सुख में शरीक तो हो। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और ये बारिशें जो हैं ये बाई से रहमत हो, बाई से जहमत ना हो, अल्लाह की नेमत जो है बन के बरसते रहे पूरे मुल्क में। आप भी दुआ करिएगा, मैं भी दुआ करूं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।